वेद पुराण रामायण कहता बेसीर पैर की बात, आ पढ़ सुन के दुनिया की उल्टा हो गया। वेद यानती वेद लिखा, पाखंडी लिखा पुराण, अब मनु स्मृति लिखने वाला बहुत बड़ा शैतान। बहुतों परिवर्तन हुआ, बहुतों कुछ होना बाकी है, तन की गुलामी मिट गई, मन की गुलामी मिटाना बाकी। देवासुर संग्राम कहले बांसा आर्ज और अनार्ज लड़ाई की, आर्ज और अनार्ज लड़ाई को कहता देवासुर संग्राम, आर्जों को देव बनाया, अनार्जों को किया बदनाम। दैत दानव राक्षस कह पुकारा, बड़ी चालाकी से हमारे इतिहास पर पर्दा डाला, हम अपने इतिहास भूल गए। युद्ध में जो लोग बंदी हो गए, युद्ध बंदी के जान तरह सेना बंदी होला ना, ढाका में 93,000 सेना पाकिस्तान के बंदी हो गए, तो युद्ध में जो बंदी भई रहे तो बाबन सब कहलन सर कि इनका पानी ना चली, गांव के दक्षिण बसावल जाए, इनका से कोई छुआई ना। आज हमारे पुरखा लोग संत लोग लड़े हैं, हमारे कबीर साहब लड़े हैं, हमारे रैदास भी रहे हैं लड़े हैं, तुकाराम जी रहे हैं, गाड़गे साहब जी रहे हैं, पेरियार लड़े हैं, रामास्वामी नायकर लड़े हैं, कुछ कुछ लड़ कर के इन्होंने सांस देने का काम किया, और बाबा साहेब के हाथ में जब ताकत मिली तो उन्होंने कलम से कानून बना। तो बाबा साहेब ही लिखते हैं अनटचेबल, अंग्रेजी शब्द है अनटचेबल माने अछूत, जिसको छुआ, जिसको मनुवादियों ने कहा कि तुमको जब निकलना है घर से तो दोपहर को चलो, सड़क में सड़क पकड़ करके जा रहे हो तो पछिया बह रही है तो पश्चिम से न चलो, पूरब से चलो, क्योंकि तुम्हारे शरीर में जो टकराएगी हवा वह उधर चला जाएगा, अगर पश्चिम से चलेगा और पछिया बह रहा है तो इस जो टकराएगा जो हवा पूरब से जा रहे सवर्णों पर पड़ेगा तो इसका देह अशुद्ध हो जाएगा। झाड़ू बाँध घाटी बाँध अब एक बारे में का समझावे के तो बहुत से मनुस्मृति का तहत कानून बनाया, और अछूत ये आज ही का शब्द नहीं है, लेकिन अछूत होते हुए भी हमारे लोग अधीनता स्वीकार बंदी हो गए लेकिन नहीं किए, लेकिन कुछ लोग समझौतावादी किए, जैसे कृष्ण जरासंध को मरवाए, आर्यों को सपोर्ट किए, आर्यों के पक्ष से लड़े, है ना, सिलेंडर नहीं किए बल्कि एक मैत्री संबंध जोड़ करके समर्पणवादी है उसको कहें, उनके नीति खेती, जिनके पुरखों ने युद्ध में डाल दिया तलवार, पानी उनकी चल, जेकर पुरखा तलवार डाल देना छोड़ी ना मालिक, आज हड़ताल होला गंगा में तना देखल कौन कहल सब कि छोड़ा मालिक हम रौरा जवरे बने, हड़ताल जमुना जमुना गाँव में भैल भाई देखल लो कि ना कि कौन लोग तलवार डाल दिया। आज भी हमारे रगों में हमारे पुरखा पुरनिया युद्ध बंदी थे, तो युद्ध बंदी में हम लोग आत्मा नहीं बंद हुआ, लेकिन आज जाइए पिछड़ी समाज के पास ताकत है, धन है, पूजा में ताकत है, लेकिन मन से गुलाम, और दलित समाज को जब मिलता है मौका तो पांख फहरा देता है, सूगा एक होता है जब मौका मिलेगा तो पिंजरा से निकल जाएगा, लेकिन वही तीतिर है तो पोसने वाला तीतिर ले जाएगा अली मैदान में, खूब मैदान में ले जा करके अपने छाया के किनारा बैठ करके तीतिर के खोल देगा पिंजरा को, और तीतिर उससे निकल करके चारों तरफ दौड़ करके अपना कीट फतिंग से पेट भर लेगा, इसके बाद तीतिर वाला बोलेगा तीरी 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 आकर झुक जाए, वो भाग सकता है कि नहीं, लेकिन बंदी जीवन वह कबूल कर लिया, जब बंदी जीवन वह कबूल किया तो उसकी मानसिक गुलामी है, बहुतों परिवर्तन हुआ, बहुतों कुछ होना बाकी है, तन की गुलामी मिट गई, मन की गुलामी मिटाना बाकी है। आदमी आज अगर कहल जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 90% लोग मन से गुलाम बा, अगर देह झाड़ के दलित क्लास होके, एक मजदूर क्लास होके, पिछड़ी जाति होके, मुसलमान होके, अगर देह झाड़ करके टाइट जखनी हो जाए तखनी उनका
सात दिन पीछे भाग जाएंगे। पर हम लोग टाइट नहीं होते हैं, हमारे लोग टाइट नहीं हो रहे हैं, ठीक ना? क्यों? इंसानों के पास पांच गो फोर्स होता है। शिव प्रसाद जी एक दिन किसी आदमी को समझा रहे थे, पहला है मनो धन बल, जन बल, बाहुबल, बुद्धि बल और मनोबल, पांच गो हुआ ना। तो हमारे ये मनु स्मृति में लिखता है, वेद पुराण रामायण कहता बेसीर पैर की बात, अपढ़ सुन के दुनिया की उल्टा हो गया मात। वेद यानती वेद लिखा, पाखंडी लिखा पुराण, अब मनु स्मृति लिखने वाला बहुत बड़ा शैतान। भारत में मनु स्मृति लागू थी, इसीलिए जब बाबा साहेब ने संविधान लिखा तो शंकराचार्य के नेतृत्व में बहुत से ब्राह्मणों आकर के दिल्ली में अनशन किए कि नहीं, ये संविधान को हम नहीं मानेंगे, ठीक ना? लेकिन उस समय अंग्रेज का चल रहा था है कि वो संविधान जो लिखा गया वही रहेगा। तो ये जनबल को तोड़ने के लिए हमें जातियों में बांट दिया।